विज्ञान और तकनीकी की इतनी बड़ी प्रगति हो रही है, उसके चलते पर्यावरण की समस्याएं नित्य नई जन्म ले रही है, और कल चल के उसके कारण सारी पृथ्वी का विनाश होगा क्या, इसका भय लोगों के मन में है। बहुत पहले ब्राजील में एक सम्मेलन किया गया, पृथ्वी सम्मेलन, बाद में रियो में सम्मेलन रियो डी जानियरो में किया गया, अभी पेरिस का सम्मेलन हुआ। सब सम्मेलनों में वो समीक्षा करते हैं और आगे की बात तय करते हैं। जो आगे की बात तय की है वो तो पूरी होती नहीं, और समीक्षा में पूरा हुआ नहीं, और विनाश हो रहा है, जल्दी करना चाहिए, और कड़े कानून बनाने चाहिए, इस प्रकार की बात आती है। ऐसे हो रहा है, और इसलिए विश्व में गत 2000 वर्षों में जो विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रयोग हुए, उन प्रयोगों का फल न मिलने के कारण विश्व ये सोच रहा है कि हमारा रास्ता गलत था, हमको एक नया रास्ता चाहिए। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, द 11th आवर, 11वां घंटा। 11th आवर अंग्रेजी में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आखिरी समय, उस समय अगर कुछ नहीं किया तो विनाश है। मराठी में कहते आणी बाणी ची वेळ, हिंदी में क्या कहते हैं एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसा 11th आवर नाम का सिनेमा था, और उसमें वो निवेदक विश्व भर के शास्त्रज्ञ और शासन प्रमुखों को पर्दे पर बुलाकर उनसे बात करता था और निष्कर्ष बताता था। अंत में वो निष्कर्ष उसने बताया कि जब तक हम लोग साधन संपन्न नहीं थे, अपनी आवश्यकता जितनी है उतना सृष्टि से लेते थे, और साधन संपन्न नहीं थे इसलिए सृष्टि के जो ऊर्जा के भंडार है, सृष्टि की जो संचित ऊर्जा है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको निकालने की विधि हमारे पास नहीं थी। जो सृष्टि में मुक्त है, कोई भी ले सकता है, ऐसी बहती ऊर्जा है, करंट ऊर्जा, करंट एनर्जी, उसी का उपभोग करते थे। और करंट एनर्जी ऐसा है कि उसका उपभोग करते हैं और परिचयन करते हैं, उस चयन अपचयन की प्रक्रिया में से उसकी आपूर्ति भी होते रहती है, वो समाप्त नहीं होती कभी। लेकिन 250 साल पहले विज्ञान आ गया, हमारी साधन संपन्नता बढ़ गई, और साधन संपन्नता बढ़ते बढ़ते उसके साथ लालच भी बढ़ने लगी, बढ़ रही है। उसके चलते सृष्टि के सारे संचित ऊर्जा को भी बाहर निकाल कर हमने खत्म किया, वो पूरी नहीं होती, उसकी आपूर्ति नहीं होती। अब वो सारे भंडार समाप्त तो हो गए, निरामय और वैज्ञानिक उन्नत जीवन मिलने के कारण हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, लालच तो बढ़ ही रही है। अब पृथ्वी का ये सामर्थ्य नहीं है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरी बात, हम में एक नया विचार आ गया, पहले हम अपने आप को सृष्टि का अंग मानकर चलते थे, अब हम सृष्टि के स्वामी मानकर विचार करने लगे, सृष्टि हमारे उपभोग के लिए बनी है ऐसा मानकर सारा करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में मेरे लिए सृष्टि, मेरे लिए दुनिया, मेरे लिए बाकी सारा विश्व, इस विचार पर हम आ गए, इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया, और इसके चलते बाकी सारी अपने लिए उपयुक्त वस्तुएं हो गई, संबंध नहीं रहा, हम अंग नहीं रहे सृष्टि के, हम सृष्टि के उपभोक्ता बन गए। और ये संबंध न रहने के कारण, संबंधों का विचार न करते हुए हमने अपनी लालच के तुष्टीकरण के लिए मनमानी चलाई, और इसके चलते सर्वत्र विध्वंस दिख रहा है। फिर वो कहता है कि अगर इसका उपाय निकालना है तो हमको 300 साल के पहले हमारी जो प्रवृत्ति थी सृष्टि के अंग बनकर काम करना और प्रवाही ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करना, जो भंडारित संचित ऊर्जा है उसको हाथ नहीं लगाना, इस पुराने तरीके पर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो विनाश अटल।